वो क्रिकेट के भगवान है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्रिकेट के भगवान को एक सफाई गिरी का सफाई अवार्ड देना कहाँ का न्याय न्यायोचित है, मुझे बताइए। हाँ, क्रिकेट गिरी का उनको अगर अवार्ड मिलता बिल्कुल जस्टिफाइड था। जिस तरह से सफाई कामगारों को लेकर और महिलाओं को बहुत सारी दिक्कतें होती है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज हम राष्ट्रीय संत गाडगे महाराज जी का जन्मदिन है और राष्ट्रीय संत गाडगे जी महाराज ने इसी सफाई के काम से कर करके उन्होंने इस देश में गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, शोषितों के लिए स्कूल बनाए, धर्मशालाएं बनाई, चिकित्सा व्यवस्थाएं मुहैया करवाई और उन्होंने पशुओं के लिए भी पशुशालाएं खुलवाई। तो आज के दिन हमने प्रतीक के रूप में आज इसमें यहाँ पर चुना और जो पूरे देश में हमारे दिल्ली में, दिल्ली से लेके पूरे देश में 30 लाख के ऊपर हमारे जो सफाई कामगार पिछले 20-20 वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं ठेकेदारी में, कच्चे में, अस्थायी रूप से, तो हम इस देश के भारत सरकार को हम ये कहने आए, अपील करने आए पंत प्रधान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से और महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी से कि हमारे जो ये सफाई कामगार हैं पूरे देश में, इनको आप परमानेंट कर दीजिए, क्योंकि ये सफाई कामगार इस देश के अंदर तमाम जातिगत रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से सबसे कमजोर है, सबसे सताए हैं। इस समाज के पास पूरे देश की भूमि का 1% हिस्सा भी इन लोगों के पास में नहीं है। भूमि इनके पास नहीं, धन इनके पास नहीं, शिक्षा इनके पास नहीं, न्याय मिलने में इनको कठिनाई होती है, सामाजिक सम्मान इनके पास नहीं। तो हम सिर्फ एक नौकरी थी इनके पास सफाई कर्मचारी की, जो पक्की कर रही नौकरी लेकर के परमानेंट तनख्वाह से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके शिक्षा और स्वास्थ्य और उनको बेहतर जीवन दे देते थे, बड़ा आगे बढ़ा देते थे, समाज को एक शिक्षित करने में भूमिका अदा कर रहे थे। तो 1992 के बाद जिस तरह ठेकेदारी ला के, प्राइवेटाइजेशन ला करके, सरकारी संस्थान प्राइवेट करके इनको कच्चा किया, ठेकेदारी में डाला, हम एक सूत्री मांग है हमारी कि इनको परमानेंट कर दो, पक्का कर दो। सिर्फ पक्का करने की बात करने आए हूँ। आपने कहा कि सचिन तेंदुलकर को सफाई कर्मचारी का अवार्ड दिया जा रहा है, उनको नहीं देना चाहिए, और आपने ये भी कहा कि सचिन ने कभी भी अपने घर में झाड़ू नहीं लगाया होगा। वहीं पे एक तरफ लोग सचिन को क्रिकेट का भगवान मानते हैं, इंडिया में भी बहुत लोग उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं, आपने ऐसा क्यों कहा? देखिए, हम भी उनको क्रिकेट का भगवान मानते हैं, मैं भी बहुत उसका फैन हूँ सचिन तेंदुलकर का, क्योंकि मैं क्रिकेटर रहा हूँ अपने टाइम में और सचिन तेंदुलकर का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। वो क्रिकेट के भगवान है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्रिकेट के भगवान को एक सफाई गिरी का सफाई अवार्ड देना कहाँ का न्याय न्यायोचित है, मुझे बताइए। हाँ, क्रिकेट गिरी का उनको अगर अवार्ड मिलता बिल्कुल जस्टिफाइड था। 5000 साल से इस देश के सफाई कामगार समुदाय इस देश की गंदगी उठा रहे हैं, निस्वार्थ होकर से इस देश को स्वच्छ रख करके इस देश के नागरिकों की रक्षा कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य की रक्षा कर रहे हैं, तो सफाईगिरी कौन हुआ? सफाईगिरी कौन कर रहा है? इस देश का सफाई कर्मचारी। और एक क्रिकेटर को तेंदुलकर, जो अरबों खरबों पति है और जो जिसने अपने घर में कभी जीवन में उसने झाड़ू